वेलकम टू माई सी जी एग्जाम। आज हम लोग 23 और 24 सितंबर के करंट अफेयर देखेंगे और इस वीडियो के एंड में आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, पहला जम्मू अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये जो जम्मू अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। ये जो फिल्म महोत्सव है वो जम्मू में आयोजित किया जाएगा। तो इसके लिए बता दूं, जम्मू में पहली बार जम्मू अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जम्मू अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन संस्करण में 11 देशों की 37 लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह महोत्सव एक वार्षिक इंस्पायरिंग आइकन अवार्ड भी पेश करेगा। मतलब इस जो फिल्म महोत्सव है उसमें इंस्पायरिंग आइकन अवार्ड भी दिया जाएगा, जो उस एक व्यक्ति को दिया जाएगा जो इस क्षेत्र के से आता है और जिसने फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं। इसका सही आंसर है कांस्य। कजाकिस्तान में ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित किया जा रहा था। ये पहले याद रखिए, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो वो कजाकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है, पहला ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा याद रखिए, बजरंग पुनिया ने भारत से कौन सा पदक जीता है, तो वो कांस्य पदक जीते हैं। और तीसरा, वो कितने किलोग्राम भार वाले वर्ग से जीते हैं, तो वो 65 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीतकर मंगोलिया के तुलगा तुमुर ओचिर को 8-7 से हराया। ये तीन चीज याद रखिए, तीन चीज एग्जाम में क्वेश्चन बने बन सकता है कि ये कहां पर आयोजन किया जा रहा है, बजरंग पुनिया ने क्या जीता और उनका कौन सा वर्ग था, तो वो 65 किलोग्राम के वर्ग में जीते हैं। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तो इसका सही आंसर है 21 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। महासभा ने इसे सभी देशों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित दिन के रूप में घोषित किया है। यूएन इसे मनाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाता है, ये याद रखिए। इस साल का थीम क्या था या विषय क्या था, ये एग्जाम में जरूर बनता है। तो ये थीम था क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, ये आपको याद रखना है, क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। ये दो चीज आप याद रखिए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय डेट याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर, दूसरा कौन मना रहा है, यूएन, और प्रत्येक वर्ष यूएन यूनाइटेड नेशन इसे मनाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि इसका थीम क्या था, जो इसका थीम था वो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो थीम था क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। आगे बढ़े, तीसरा करंट अफेयर आज का, अभी हाल ही में भारत और बेल्जियम लक्समबर्ग के बीच संयुक्त आर्थिक आयोग का 16वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया है? इसका आंसर है नई दिल्ली। भारत और बेल्जियम लक्समबर्ग आर्थिक संघ BLEU के बीच संयुक्त आर्थिक आयोग का 16वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ये दो ही यहां से इंपॉर्टेबल क्वेश्चन बनेगा कि इस साल कौन से नंबर का सत्र था, तो इस साल 16वें नंबर का सत्र था। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इस जो ये आर्थिक आयोग है इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनेगा, इसे आप याद रखिए। भारत और बेल्जियम लक्समबर्ग इकोनॉमिक यूनियन के बीच संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना 1997 में हुई थी और यह द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुख्य साधन है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में एनटीपीसी ने कहां पर भारत के सबसे बड़े सौर पार्क की स्थापना की योजना बनाई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है गुजरात। भारत के राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पश्चिमी गुजरात गुजरात में देश के सबसे बड़े 5 गीगावाट और सौर पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है।
जैसे कि बड़े बिजली जनरेटर क्लीन ऊर्जा में बदलते हैं, जिसकी लागत 250 बिलियन रुपए के रूप में होने की उम्मीद है, और 2024 तक इसका संचालन चालू कर दिया जाएगा। ये 2024 तक जो ये सौर पार्क बनने वाला है, इसका संचालन एनटीपीसी चालू कर देगा। तो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुजरात में बनाया जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि गुजरात में इसका सेटअप लगाया जा रहा है। सेटअप कौन लगा रहा है? एनटीपीसी लगा रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका सेटअप लगा रहा है, और ये भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा। ये आपको तीन चीज याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बनेगा। इसको आपको याद रखिए या लिख के रखिए, कुछ भी करिए, आप छोटा सा ऐसा लिख के भी रख सकते हैं कि भारत का, आपको पेन और कॉपी निकाल के बैठना है। करंट अफेयर की जब मेरी क्लास होती है तो आप पेन और कॉपी निकाल के बैठिए और करंट की एक नई कॉपी बनाइए, उसमें छोटा शॉर्ट में लिखिए भारत के सबसे बड़े सौर पार्क की स्थापना बगल में गुजरात में कौन करेगा? एनटीपीसी करेगा। इतना ही लिखना है, एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम। अभी हाल ही में किस स्टेशन को प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इसका आंसर है सिकंदराबाद स्टेशन। सिकंदराबाद स्टेशन को प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। अब ये है क्या, इसको देखते हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन देश का ऐसा पहला स्टेशन बन गया है जिसे ग्रीन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। यह रेटिंग क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम पर आधारित है। ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग ग्रीन अवधारणाओं को अपनाने की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण है। मतलब जिस ये जो IGBC जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो ये काउंसिल जो है वो प्लैटिनम रेटिंग दिया है, और क्यों दिया है? क्योंकि जो ये स्टेशन सिकंदराबाद है वो ग्रीन अवधारणाओं को अपनाया है। ग्रीन अवधारणा का मतलब क्या होता है? एनर्जी सेविंग होता है। जितने भी अर्थ के लिए अपन बोलते हैं ना ग्रीन अर्थ, अर्थ ग्रीन वर्ड का मतलब ही होता है एनवायरमेंट फ्रेंडली, और जो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है उसे ये काउंसिल जो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल वो रेटिंग देता है। तो अभी हमारे फर्स्ट स्टेशन बना है सिकंदराबाद जिसे ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने क्या दिया है? प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इतना ही याद रखना है कि पहला कौन सा स्टेशन है, तो वो सिकंदराबाद स्टेशन है, ये आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है? तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनता की शिकायतों के त्वरित और समयबद्ध निवारण के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 1100, की शुरुआत की है। तो ये आप याद रखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। IDBI बैंक ने किसको अपना उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो IDBI बैंक ने सैमुअल जोसेफ को अपना नया उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। IDBI बैंक ने निदेशक मंडल ने 3 साल की अवधि के लिए सैमुअल जोसेफ जेबराज को उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। यह वर्तमान में बैंक के ऋण प्रशासन और मानव संसाधन प्रबंधन समूह के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त अनुमोदन के अनुसार निर्णय लिया गया है। यह बैंक की बोर्ड में पहली बड़ी नियुक्ति है जिसमें LIC ने जनवरी 2019 में 51% का बहुमत शामिल है। तो IDBI का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है IDBI का, ठीक है। ये 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था। दूसरा फैक्ट याद रखिए। तीसरा, यह इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, मतलब ये सरकारी बैंक है ऐसा मान के चलिए, ठीक है। जिसका स्थापना जुलाई 1964 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसका वेबसाइट है। ये तीन चीज आप याद से याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में निम्न में से कौन सी सरकार ने डेंगू के खिलाफ चैंपियन अभियान शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैंपियन अभियान जो है वो डेंगू के खिलाफ है। ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चैंपियन अभियान निम्न में से किसके खिलाफ है? तो डेंगू के खिलाफ है। कौन सी सरकार ने किया? तो दिल्ली सरकार ने। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बता दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेंगू से लड़ने के लिए चैंपियंस अभियान शुरू किया है और नागरिकों से चैंपियन बनने का आग्रह किया है, ठीक है।
आपस में 10-10 दोस्तों को मच्छर के लार्वा की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। इससे पहले उन्होंने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का अभियान भी चालू किया था। ठीक है, उन्होंने दिल्ली के निवासियों से डेंगू वाहक मच्छरों के से प्रजनन को रोकने के लिए आसपास की जांच करने के लिए हर रविवार को 10 मिनट देने का आग्रह किया था। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए बीइंग गांधी पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक का नाम आपको बताना है, तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक का नाम है पारो आनंद। पुरस्कार विजेता लेखक पारो आनंद द्वारा लिखी बीइंग गांधी नामक की नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसे महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के लिए चिन्हित किया गया है। ये आपको याद रखिए, जनरली बुक के राइटर का क्वेश्चन बनता ही है, स्पेशली एसएससी में तो बन ही जाता है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में किन्हें भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया है, यह आज का प्रश्न है। आपको इसे कमेंट करके बताना है। तो इसको मैंने कल के करंट अफेयर में आपसे डिस्कस किया था, तो आपको अभी इसका कमेंट करके मुझे बताना है, यह आज का प्रश्न है। तो आज हमने 23 और 24 सितंबर के करंट अफेयर को चर्चा किया। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकता है मैंने आपको बताया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये इंस्टाग्राम पेज है, आप इसे जाके फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और इस करंट अफेयर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।